मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं इपटा डोंगरगढ़ का साथी हूँ। हमारे रंग कर्म कार्यशाला, बाल रंग कर्मशाला में, कार्यशाला में श्री मंजुल भारद्वाज जी, जो थिएटर आप रिलेवेंस से यहाँ पधारे हुए हैं, उनके द्वारा रंग कर्म पर बाल कलाकारों को लेकर कार्य किया जा रहा है। इस कार्यशाला के दौरान उनके द्वारा दो गीतों की रचना की गई है। मंजुल भारद्वाज जी द्वारा दो गानों की रचना की गई है, जिसे मेरे द्वारा स्वरबद्ध किया गया है। मोर नाम मनोज गुप्ता है, मैं इपटा डोंगरगढ़ के साथी हूँ। इपटा डोंगरगढ़ द्वारा डोंगरगढ़ में बाल रंग कर्म के पर शिविर लगाए गए हैं, जेमा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री मंजुल भारद्वाज द्वारा लैका मल्ला बाल रंग कर्म के बारे में सिखाए जाते। श्री मंजुल द्वारा दो तीन गीत के रचना ये कार्यशाला के दौरान तैयार करेगी है, जिला मैं हाँ स्वरबद्ध करे हूँ। हाँ भैया, आओ करे हम नाटक जो करे धमाल, आओ करे हम नाटक जो करे धमाल, आओ करे हम नाटक जो करे धमाल, आओ करे हम नाटक जो करे धमाल। डोंगरगढ़ में हो रहा कमाल है कमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा कमाल है कमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा कमाल है कमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा कमाल है कमाल। आओ करे हम नाटक जो करे धमाल, आओ करे हम नाटक जो करे धमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा कमाल है कमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा कमाल है कमाल। जो भी देखे नाटक अपना हो जाए खुशहाल, जो भी देखे नाटक अपना हो जाए खुशहाल, अरे जो भी देखे नाटक अपना हो जाए खुशहाल, जो भी देखे नाटक अपना हो जाए खुशहाल, आड़े टेढ़े लोगों की हो जाए सीधी चाल, आड़े टेढ़े लोगों की हो जाए सीधी चाल, आड़े टेढ़े लोगों की हो जाए सीधी चाल, आड़े टेढ़े लोगों की हो जाए सीधी चाल। आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा धमाल है धमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा धमाल है धमाल, और यह नाटक तो करता है दृष्टि का निर्माण, 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 सकारात्मक सोच उभारे नाटक की पहचान, सकारात्मक सोच उभारे नाटक की पहचान, सकारात्मक सोच उभारे नाटक की पहचान, सकारात्मक सोच उभारे नाटक की पहचान। अरे आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, आओ करे हम नाटक जो करे कमाल। डोंगरगढ़ में हो रहा धमाल है धमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा धमाल है धमाल, हमने लिखा नाटक हम ही करे निर्माण, हमने लिखा नाटक हम करे निर्माण, अरे हमने लिखा नाटक हम ही करे निर्माण, हमने लिखा नाटक हम करे निर्माण, बच्चों के धमाल से डोंगरगढ़ की है पहचान, बच्चों के धमाल से डोंगरगढ़ की है पहचान, बच्चों के धमाल से डोंगरगढ़ की है पहचान, बच्चों के धमाल से डोंगरगढ़ की है पहचान। आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, अरे आओ
आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, आओ करे हम नाटक जो करे कमाल। डोंगरगढ़ में हो रहा धमाल है धमाल, डोंगरगढ़ में हो रहा धमाल है धमाल। आओ करे हम नाटक जो करे कमाल, आओ करे हम नाटक जो करे कमाल। डोंगरगढ़ में हो भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। अरे क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। अरे सारे शहर में शोर है, सारे शहर में शोर है, सारे शहर में शोर है, सारे शहर में शोर है। चारों तरफ वंश मोर है, चारों तरफ वंश मोर है, चारों तरफ वंश मोर है, चारों तरफ वंश मोर है। अरे क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। मम्मी मम्मी डैडी, मम्मी मम्मी डैडी डैडी, मम्मी डैडी कहने लगे हैं, मम्मी डैडी कहने लगे हैं, मम्मी डैडी कहने लगे हैं, मम्मी डैडी कहने लगे हैं। बच्चे हमारे लिखने लगे हैं, बच्चे हमारे लिखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं लिखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं लिखने लगे हैं। क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। बदल गए हम बदल गए, बदल गए हम कैसे बदल गए, कैसे बदल गए। हाथ वही है पैर वही है, हाथ वही है पैर वही है, आँख वही है कान वही है, आँख वही है कान वही है। कोई बताए कैसे बदले, कोई बताए कैसे बदले, कोई बताए कैसे बदले, कोई बताए कैसे बदले। क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। दृष्टि बदली सोच बदली, दृष्टि बदली सोच बदली, आदत बदली सृष्टि बदली, आदत बदली सृष्टि बदली, दृष्टि बदली सोच बदली, दृष्टि बदली सोच बदली, आदत बदली दृष्टि बदली, आदत बदली सृष्टि बदली। देखो हमारी सृष्टि बदली, देखो हमारी सृष्टि बदली, देखो हमारी सृष्टि बदली, देखो हमारी सृष्टि बदली। क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। अरे सारे शहर में शोर है, सारे शहर में शोर है, सारे शहर में शोर है, सारे शहर में शोर है। चारों तरफ वंश मोर है, चारों तरफ वंश मोर है। क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। सर मेरा नाम अनुप्रिया प्रताप है, मुझे आज यहाँ गाना गा के बहुत अच्छा लगा, वैसे बहुत बार गाना गा चुकी लेकिन आज बहुत मजा आई। मेरा नाम प्रतिज्ञा व्यास है और मुझे वर्कशॉप में आके बहुत अच्छा लगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा है, मैंने खूब मस्ती की, मुझे बहुत मज़ा आया है, इतनी मस्ती मैंने लाइफ में आज तक नहीं की, ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहा है। हे फ्रेंड्स, दिस इज अमन मुंधड़ा फ्रॉम डोंगरगढ़। मेरा अनुभव यहाँ पे मंजुल सर के साथ बहुत ही उल्लेखनीय रहा, मुझे पहले तो यहाँ पे उनसे दोस्ती करने का मौका मिला जो कि बहुत ही बढ़िया था। ऐसे दोस्त जो हर खामियाँ, हर मेरी खामियाँ, मेरी अच्छाइयाँ मुझे बताते हैं, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और मैं आगे इसे याद रखूँगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग प्रताप है फ्रॉम डोंगरगढ़। जब से मैं इस वर्कशॉप में आया तब से मेरी ज़िंदगी थोड़ी बदल गई है। मेरे फ्रेंड
मंजुल सर जब से आए मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब मेरे अंदर जो नाटक की खूबी थी वो भी निकल गई है। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ते रहूंगा और कभी हौसला नहीं खोऊंगा। क्या बात। मेरा नाम अभय है और ये वर्कशॉप 15 दिन से चल रही है और इसमें मुझे बहुत मजा आया। मुझे नई नई चीजें सीखने मिली और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश चौधरी है और इप्टा की यह कार्यशाला हमने श्री मंजुल भारद्वाज के सहयोग से आयोजित की। बच्चों ने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा, अभिनय के गुर, नृत्य, संगीत, नाट्य लेखन, नाट्य प्रस्तुति और श्री मंजुल के साथ हमारा जो अनुभव है वो बहुत सुखद रहा। धन्यवाद। थिएटर ऑफ रेलेवेंस के तहत ये जो वर्कशॉप चलाया गया उस पर सबसे मुख्य बात यह रही कि संचालक की भूमिका उत्प्रेरक की है और यह काम केवल बच्चों को सिखाने का नहीं है बल्कि बच्चों को आपस में सीखने के लिए प्रेरित करना है। दूसरी बात यह कि नाटक का अभिप्राय यहाँ पर मनोरंजन करना नहीं है बल्कि ये नाटक सामाजिक बदलाव के संदेश देते हैं और बच्चों को ये बात मुख्य रूप से बताई गई कि लिखा हुआ या तैयार नाटक नहीं खेलना है बल्कि आपके द्वारा ही नाटक को तैयार करना है, उसे निर्देशित करना है, मंच की व्यवस्थाएं करनी है और जो उपलब्ध संसाधन है उसी में नाटक को खेलना है। तीसरी बात यह है कि यहाँ बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया गया वो केवल नाटक से सरोकार नहीं रखता बल्कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ बताई गई और उन्हें प्रेरित किया गया कि कैसे आपको अपनी राह में सफलता हासिल करनी है। मंजुल भारद्वाज में यह खूबी मुझे नज़र आई कि जब वो बच्चों को सिखाते हैं तो स्वयं भी बच्चे बन जाते हैं और बच्चों के अंदर जो एक संकोच या झिझक है वो दूर हो जाता है और वे खुल के अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इस कार्यशाला में थिएटर ऑफ रेलेवेंस के साथ काम करते हुए मुझे यह महसूस होता है कि रंगकर्मियों को अपने अपने शहरों कस्बों में भी इस पद्धति के तहत बच्चों को, युवाओं को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाना चाहिए। इप्टा डोंगरगढ़ ने यह पहली बार बाल रंगकर्म पर कार्यशाला लगाई है जिसमें श्री मंजुल भारद्वाज जी ने अपना अनुभव बच्चों को सिखाया और ये कार्यशाला खासकर मेरे लिए जो है एक बहुत ही अनुभव रहा जिसमें इतनी अच्छी बातें बच्चों को बताई गई। बच्चों के विचारों को कितना अच्छा बनाना, बच्चों को स्वयं निर्णय लेने की प्रेरणा और उस पर अमल करने ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई गई। नाटक के साथ साथ बच्चों ने इस कार्यशाला में बहुत सी बातों का अनुभव लिया और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं इस कार्यशाला से। हम चाहते हैं कि श्री मंजुल जी भविष्य में भी अपना समय, अमूल्य समय निकाल कर हमारे इस आयोजन में सहयोग करते रहें। इस कार्यशाला में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ और बच्चों ने जो सीखा है ये बहुत ही उपलब्धि है डोंगरगढ़ के लिए और उन बच्चों के लिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो बच्चे संकोची थे उनका सारा संकोच इस कार्यशाला में दूर हो गया और बच्चों ने खूब आनंद लिया, खूब मस्ती की और अपने जो सिखाया जा रहा है उस पर भी भरपूर रुचि के साथ उन्होंने इस कार्यशाला में पार्टिसिपेंट किया है। श्री मंजुल जी ने हमारे प्रौढ़ साथियों के साथ भी कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें हम जो 23 वर्षों से जो कार्य करते आ रहे थे
और जो हम नहीं कर पा रहे थे वो सारी बातें उन्होंने दो ही दिनों में सिखा दी। तो है मुख्य बात है कि जो हमारे साथी अभी तक कार्य करते आए हैं उसमें जो अनियमितताएँ थी वो सारी दूर हो गई। दूसरी बात यह है कि आज तक जो हम नाटक करते आए हैं एक फ्लो में एक लय में जो करते आ रहे थे उसमें काफ़ी बदलाव आ गया। जैसे उन्होंने दो एक रंगकर्मी नाटक हमें दिया, वो नाटक को हमने सोचा कि ये कैसे हो पाएगा, ये थीम की तरह था, उसमें कोई पात्र नहीं थे, लेकिन उनके थोड़े से हिंट के बाद उन्होंने उसको किस ढंग से करना है ये बताया, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक थीम को भी हम गद्य टाइप का जो लिखा हुआ नाटक है उसको किस ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरी मुख्य बात ये है कि उन्होंने ये मतलब बताया कि कोई कार्य असंभव नहीं है। वो उसका एक उदाहरण मैं थोड़ा सा दूंगा कि श्री मंजुल जी ने कहा कि इस छत के ऊपर चढ़ जाओ, सारे लोगों ने कहा कि ये सर हम सीढ़ी से चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको दूसरे तरीके से चढ़ना है। अब सारे लोग सोच में पड़ गए कि वो तरीका कौन सा हो सकता है, लेकिन वो तरीका उन्होंने बताया और बच्चे वहाँ हमारे जो साथी वरिष्ठ साथी थे वो सब वहाँ ऊपर तक पहुँच गए। तो ये एक इससे संदेश हमें ये मिला कि अगर हमारा संगठन मजबूत है तो हम अपने ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य को पा सकते हैं। श्री मंजुल जी को एक रंगकर्मी तो है ही, और रंगकर्मियों की जगह में मैं उनको किस स्थान पर रखूं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि उनका काफ़ी ऊंचा स्थान होना चाहिए। और एक बार बता दे रहा हूं, और जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं मेरी नज़र में वो काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद निचले स्तर पर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम राधेश्याम तराने है और मैं डोंगरगढ़ इप्टा का संस्थापक हूँ। विगत 23 वर्षों से हम इप्टा को संचालित कर रहे हैं। मंजुल भरद्वाज जी बॉम्बे से आए और हमारे इप्टा की कार्यशाला ली, उसमें उन्होंने हमें एक नई चीज़ दी है, किसी भी विषय पर परिचर्चा की नई परंपरा हमारी इप्टा में चालू हुई है, किसी भी सब्जेक्ट पर परिचर्चा की। दूसरी ये हुई है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने को सजग रहना है, अनुशासित रहना है और अपने काम को एक लक्ष्य मानकर आगे बढ़ते जाना है, वो भी संगठित होकर। उन्होंने संगठन के बारे में, संगठन को संगठित करने के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ हमारे सदस्यों को बताई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इप्टा के जितने भी रंगकर्मी हैं वे भविष्य में इस सबक को सीखकर अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने देश के नामचीन नाट्य रंगकर्मियों के साथ भी काम किया है, इसमें हबीब तनवीर है, अरुण पांडे जी हैं, और लोक कलाकारों के साथ भी मैंने बहुत सारे वर्कशॉप में काम किया है। उनसे हटकर मुझे मंजुल जी के बारे में ये बात बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि वे सिर्फ थिएटर को थिएटर तक ही सीमित ना रखकर उसको और विस्तृत करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन